हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कवर्ता आर्ट। और आज मैं अपने सभी यूट्यूब्स के ड्राइंग्स को बताऊंगा और इसके अलावा मैंने कुछ और भी ड्राइंग बनाई हैं जिसे मैंने यूट्यूब में नहीं डाली थी, तो उन सभी ड्राइंग्स को भी बताऊँगा। मेरे सभी ड्राॅइंग्स इसके अंदर रखे हुए हैं जिन्हें मैं अब निकाल रहा हूँ। इस ड्राइंग को भी मैं लेटेस्ट ही बनाया हूँ और इसे नहीं डाला हूँ अभी। ये मेरा सब्सक्राइबर है और इसे मैंने पूरी तरह चारकोल पेंसिल से बनाया था और इसे चारकोल पेंसिल और कलर पेंसिल से बनाया था। ये मेरा सब्सक्राइबर है और इसको मैंने अधूरा छोड़ दिया था जब अच्छा नहीं बना, तो इसे भी अधूरा छोड़ दिया था लेकिन इसे बाद में बनाया था और ये ख़राब हो गया था, इसे भी अधूरा छोड़ दिया था। इसको मैंने चारकोल पेंसिल से बनाया था, इसे भी चारकोल पेंसिल से बनाया था। और ये अमिताभ बच्चन का है, इसे भी चारकोल पेंसिल से बनाया था लेकिन बाद में छोड़ दिया अधूरा। और इसे मैंने ग्रेफाइट से बनाया था, सागर गोस्वामी। और ये ऑयल पेंट है, इसे मैंने 2018 में बनाया था लेकिन इसे यूट्यूब में नहीं डाला हूँ। और इसे भी चारकोल पेंसिल से बनाया था और इसे कलर पेंसिल और चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट तीनों से मिल के बनाया था मिला के। और इसे ग्रेफाइट से ही बनाया था। कीर्ति सुरेश कलर पेंसिल ड्राइंग, वाटर कलर ड्राइंग, ये अक्षय कुमार ग्रेफाइट से बनाया था। और ये रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया था एक बार, हाइपर रियलिस्टिक। और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं विजय कैवर्त। ये थैनोस का मैंने पेन से बनाया था, अल्लू अर्जुन का चारकोल पेंसिल से बनाया था। ये मेरी पहली यूट्यूब की ड्राइंग है, इसको मैंने अप्सरा की पेंसिल से केवल HB पेंसिल से ही बनाया था। इसको 2017 में बनाया था मैंने। नया साल में बनाया था एक रिलीक कलर से, इसे चारकोल पेंसिल नहीं ग्रेफाइट से बनाया था। इसे अभी रिसेंटली भी बनाया हूँ, अमलेश नागेश। इसे मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं सनत पैंकर। और ये मेरी पहली हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग थी और इसे मैंने यूट्यूब में नहीं डाला हूँ और इसको मैंने पूरी तरह चारकोल पेंसिल से बनाया हूँ और इसमें बहुत बारीकी से काम किया था। इसमें मैंने महात्मा गांधी और ये धीरज मरकाम मेरा सब्सक्राइबर, जोकर मोदी, इसे भी अधूरा छोड़ दिया हूँ, अच्छा नहीं बना तो। और 3D में तिरंगा झंडा, स्वामी विवेकानंद ग्रेफाइट पेंसिल 2020, गुरु नानक देव जी, मिश्रा सर, काजल अग्रवाल, रोमन रेंज। इसको मैंने बहुत बारीकी से काम किया था और इसे मैंने चारकोल पेंसिल से बनाया था। और ये है मेरा फेवरेट पेंटिंग श्री कृष्णा का और इसमें अभी तक 72,000 व्यू आ चुके हैं और ये मेरा अच्छा चल रहा है ये वाला वीडियो।
इसको मैंने कलर पेंसिल से और इसके बाल को मैंने चारकोल पेंसिल से बनाया था। और ये रकुल प्रीत, गणेशा पेंटिंग, इसको मैंने पूरी तरह चारकोल पेंसिल से बनाया था। और ये है यामहा MT-15 और इसको मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स और कलर पेंसिल्स को से बनाया था। और ये है संजय दत्त पानीपत मूवी से, इसको मैंने कलर पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल से मिलकर बनाया था। इसे सिंपल पेपर में मैंने बनाया था ग्रेफाइट पेंसिल यूज करके। और ये मेरा सब्सक्राइबर ललित मोहन पैंकरा, ये है डोमिनार बाइक, डोमिनार बाइक, इसको भी मैंने कलर पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था। जवाहरलाल नेहरू, और मोनालिसा। और ये थी मेरी पेस्टल कलर ड्राइंग। और ये रियलिस्टिक बल्ब बनाने की कोशिश किया था। और इसे मैंने शायद ये छठी कार्ड वाला है। और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया था मधुमक्खी का, इसे एक्रिलिक कलर से बनाया हूँ, झरना और कुछ पेड़ पौधे। इसे भी मैंने एक्रिलिक कलर से बनाया था। और इसे मैं वाटर कलर से बनाने की कोशिश किया था, लेकिन ये पेपर अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं बन पाया, वाटर कलर वाला पेपर नहीं है ये। साउथ एक्ट्रेस अनुपमा, इसे चारकोल पेंसिल और कलर पेंसिल से बनाया था। और ये मेरा सब्सक्राइबर है धोनी। और ये महादेव का ड्राइंग है, और इसमें भी अभी तक 15,000 के आसपास व्यू आ चुका है और ये भी अच्छा चल रहा है अभी। और इसे मैंने पूरी तरह चारकोल पेंसिल से बनाया था। और रियलिस्टिक हेयर किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में बताया था। और इसमें मैंने कहीं भी मोनोटम्बो इरेजर का उपयोग नहीं किया हूँ। और इसको मैंने पूरी तरह चारकोल पेंसिल से बनाया था। और इसका मैंने ट्यूटोरियल बनाया था। और भगत सिंह, जीसस क्राइस्ट, मिशन मंगल का है अक्षय कुमार, और नाम तो भूल गया इसका। कीर्ति सुरेश ड्राइंग, ये पूरी तरह चारकोल पेंसिल से है, नहीं मतलब ग्रेफाइट पेंसिल से है। और उस समय मेरे पास 10 भी नहीं था, उस समय मैंने 2B का ही यूज करके इसके बाल को बनाया था। हैप्पी होली, और इसे मैंने एक्रिलिक कलर से बनाया था और वो भी पतले पेपर में बनाया था, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया, मोटे कागज़ में बनाता तो अच्छा था। और इस ड्राइंग को अभी मैं रिसेंटली ही बनाया हूँ, भीमराव अंबेडकर जी का। और ये मेरा दोस्त है। और ये है कैप्टन मार्वल। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ ड्राइंग्स और इन सभी को मैंने प्रिंस गोल्ड के पेपर में ही बनाया हूँ। और यह सिंपल ड्राइंग पेपर है और इसमें अच्छी तरह से बन पाता है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो इस पेपर को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है।
यही है प्रिंस गोल्ड का पेपर, और इसका पेपर हल्का से रफ़ रहता है, और इसमें भी कुछ ड्राइंग्स हैं, मैं बताना भूल गया था। इसमें भी कुछ ड्राइंग्स हैं, जैसे कि ये अच्छा नहीं बना तो छोड़ दिया था, राम लक्ष्मी भाई और अभिनंदन घर, चिड़िया, ये रियलिस्टिक बॉल कैसे बनाए इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बनाया था, और ये चारकोल पेंसिल से बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल में मिल जाएगा। इसे अधूरा छोड़ दिया हूँ, ये प्रैक्टिस कर रहा था तब का है मेरा सब्सक्राइबर नरेंद्र मोदी, सौरभ जोशी, तितली, मेरा सब्सक्राइबर, और ये कुछ प्रैक्टिस कर रहा था तब का है, और ये रियलिस्टिक आई ड्राई ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर रहा था, और ये ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया है, और ये कलर पेंसिल से बनाया था। मेरे लगभग सभी पेंटिंग्स यानी सभी ड्राइंग्स मैंने प्रिंस गोल्ड के पेपर में ही बनाया हूँ, और यही वो पेपर है, और मैंने डोम से कलर पेंसिल का यूज किया हूँ, और वह अच्छा होता है। और ये टमाटर मैंने बनाने की कोशिश किया था, और इसे मैंने ऑयल पेंट से बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आप मेरे इस ड्राइंग में से किसी भी ड्राइंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे इस चैनल में है, और यदि आप उसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में भी है उसका ट्यूटोरियल, मतलब कुछ वीडियो का, तो जाकर देख सकते हैं।